नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हिनमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा के बारे में, जो कि त्वचा रोगों की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक दवा के बारे में आज हम जानेंगे कि कब कब इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है और किस पोटेंसी में कैसे इस होम्योपैथिक दवा को आपको लेना है। तो देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानें तो ये मेनली त्वचा रोगों की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। ये एक एंटी सोरिक रेमेडी और ग्रेट पावर की एंटी सोरिक रेमेडी है। सोरा से होम्योपैथी में मतलब होता है त्वचा रोग, तो त्वचा रोगों की बहुत अच्छी दवा को बोलते हैं एंटी सोरिक रेमेडी। तो उसकी बहुत ही ग्रेट पावर रखती है होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है ग्रेफाइटिस। साथ ही साथ त्वचा रोगों में उनमें बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन ये असर करती है जो स्टाउट पर्सनैलिटी की होते हैं, यानी कि हैवी बिल्ड के होते हैं, लंबे चौड़े और थोड़े से तगड़े होते हैं, मोटापा जिनमें ज़्यादा मिलता है, और जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है यानी कि त्वचा जिनकी थोड़ी सी गोरी होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या उन्हें मिलती रहती है, और महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो थोड़ी लेट आती है, यानी कि मेंसेस जो होते हैं टाइम से थोड़े लेट आते हैं। ये पर्सन का कंस्टिट्यूशन होता है, इस तरीके के लोगों में ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से असर करती है। साथ ही साथ पर्सन को, जो पेशेंट होता है, उसको ठंड बहुत ही आसानी से लग जाती है, इरिसिपेलेस की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक तरीके का त्वचा रोग होता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है और त्वचा बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। तो इसकी समस्या, अगर किसी को इसकी टेंडेंसी बनी हुई है तो उसकी टेंडेंसी को यह दवा खत्म कर देती है। साथ ही साथ अगर किसी को ओबेसिटी की टेंडेंसी बनी हुई है, यानी कि मोटापा की टेंडेंसी बनी हुई है, बार बार किसी का वेट थोड़ा भी खा लिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी टेंडेंसी को भी कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से असर करती है। साथ ही साथ इस दवा में एनीमिया की कंडीशन भी मिलती है जिसमें आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लेकिन एनीमिया की कंडीशन में तब ये कारगर है जब रेडनेस ऑफ फेस मिलती है, यानी कि चेहरे पे लालपन मिलेगा लेकिन उसको एनीमिया की कंडीशन होगी। अब बढ़ते हैं इस दवा के मुख्य लक्षणों की ओर, यानी कि त्वचा रोगों में कब कब इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली ये एक्जिमा की बहुत अच्छी दवा है, और एक्जिमा की कंडीशन अगर पेशेंट को मिल रही है और एक्जिमा की अलावा उसको सूखापन मिलेगा त्वचा में, यानी कि जहाँ पर एक्जिमा नहीं हो रहा है उसके अलावा वाली त्वचा पर, वहाँ पर सूखापन, ड्राइनेस और हार्डनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इरप्शंस देखने को मिलेंगे, पेशेंट को दाने बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उससे चिपचिपा पस जैसा पदार्थ भी सामने आएगा। चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स यानी कि कील मुहासे जब मिलते हैं तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्सर्स यानी कि छाले मिल रहे हैं और उससे स्टिकी या फिर चिपचिपा पदार्थ निकल के आ रहा है तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। त्वचा जो होती है पेशेंट की अनहेल्दी मिलती है, यानी कि हेल्दी नहीं रहती है, और छोटी से छोटी अगर किसी को पेशेंट को चोट लग गई है तो उससे भी वहाँ पर पस निकलने लगा, इतना ज़्यादा जो है पस बनने की संभावना पेशेंट में बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें सूजन भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, यानी कि स्वेलिंग की कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके जब पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिल रही हो, हमारे शरीर की जो ग्लैंड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सूजन मिल रही हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ जो इरिसिपेलेस की कंडीशन मैंने बताई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया जिसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर वो चेहरे पर मिल रहा है तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके के लक्षणों में आप इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली ये त्वचा रोगों की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। अब बात करते हैं कि किस पोटेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 30 की पोटेंसी में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 बूंद दिन में सुबह में और 2 बूंद इसकी शाम में जीभ पर ली जा सकती है। आधे घंटे का फर्क जरूर रखा जाता है अगर एक होम्योपैथिक दवा को लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच कर रहे हैं तो इस होम्योपैथिक दवा को लिया जा सकता है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।